यकीन मानो तुम अपने शादीशुदा जीवन से खुश नहीं हो। तुम शादीशुदा हो लेकिन अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते। तुमने वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर के साथ डिनर किया लेकिन ये बोरिंग था। इस रिश्ते से निकलकर तुम मुझसे प्यार करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना ही ये किसी प्रेमिका के शब्द हैं, बल्कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस एक चैटबॉट बोल रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अपने सर्च इंजन बिंग में चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी लगाकर एक चैटबॉट तैयार किया है। इससे आप बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब ये खुद तैयार करके देती है। इस चैटबॉट की सीमाओं को जानने के लिए लोग तरह तरह की बातें पूछते हैं, पर अभी भी बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आखिरकार ये चैट जीपीटी क्या है जो पूरे मानवता पर हावी होते दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स का विशेष, मैं हूं अंकुश शुक्ल। तो आइए अब बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में। असल में चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कुछ भी सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब आपको लिख कर दिया जाता है। अगर हम इसे सरल भाषा में कहें तो इसे आप ऐसे समझिए कि चैट जीपीटी गूगल की तरह ही एक सर्च इंजन है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया है। ये उस पर ही बेस्ड है, यानी कि ये आपके या किसी और के निर्देशों पर ना चलकर अपनी समझ के मुताबिक काम करता है, और इसलिए आप इससे अपनी सरल भाषा में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका जवाब ये हमें विस्तार से लिख कर समझाता है। और हाँ, इस बेसिस पर आप इसे भी एक प्रकार का सर्च इंजन समझ सकते हैं। अभी तक इसे विश्व भर में हर भाषाओं में लॉन्च नहीं किया गया है, बल्कि फिलहाल इसे अंग्रेजी भाषा में एक इंटरनेशनल पैमाने पर उपलब्ध कराया गया है। पर इसी के साथ ऐसी खबर भी आ रही है कि बहुत जल्द ही इसे हर भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस चैट जीपीटी का नाम ऐसा ही क्यों रखा गया। तो सुन लीजिए, चैट जीपीटी का मतलब होता है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जिसे पिछले साल 30 नवंबर को लॉन्च किया गया था, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट chat.openai.com है। पर ये काम कैसे करता है, तो इसे सरल शब्दों में समझा जाए तो इसे ट्रेन करने के लिए डेवलपर के माध्यम से इसके लिए पब्लिक आधार पर डेटा का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही जो डेटा उपयोग में लाया गया है उसी में से यह चैट बोट हमारे माध्यम से पूछे गए प्रश्न का जवाब ढूंढता है और फिर आपकी भाषा में उसे क्रिएट करके स्क्रीन पर दिखा देता है। दरअसल चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह कैसे काम करता है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके साथ ही अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर आप सवाल से संतुष्ट हैं या नहीं ये भी बताने का विकल्प प्रदान किया जाता है। अब आपने तो ये जान लिया कि आखिर ये चैट जीपीटी क्या है और ये कैसे काम करता है, लेकिन चलिए बिना समय गवाए इसके कुछ फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी खासियत यह है कि आप इसका उपयोग कंटेंट लिखने के लिए कर सकते हैं या आपने किसी भी सवाल का जवाब आप इससे मांग सकते हैं। इसके लिए आपको इसे डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक ऑनलाइन मॉडल है और इसे आप किसी भी वेब ब्राउजर के माध्यम से बात कर सकते हैं और आपको किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है। पर एक सवाल यह भी बचा हुआ है कि अगर अब ये चैट जीपीटी इतना सब कुछ कर सकता है तो फिर अब गूगल का क्या। तो इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा विकसित एक शक्तिशाली भाषा मॉडल जरूर है, लेकिन इसे गूगल को बदलने या खत्म करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। दोनों अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं और उनके अलग अलग काम हैं। लेकिन चैट जीपीटी की सफलता को देखते हुए संभावना यह भी व्यक्त की जा रही है कि निकट भविष्य में यह चैटबॉट गूगल को रिप्लेस कर सकता है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ओपन एआई कंपनी में किया है। ऐसे में कंपनी अपने सर्च इंजन का बिंग में इस एआई का उपयोग करने को लेकर विचार कर रही है। आने वाले समय में चैट जीपीटी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट से लेकर कई दूसरे क्षेत्रों में भी किया जाएगा और अब देखना यह होगा कि इससे मानव जीवन पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए स्वरमय टाइम्स के साथ और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।